नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुविताज फूड रेसिपी पर। आज की जो रेसिपी है वह बच्चों के लिए खास है, क्योंकि ये गुड़ पापड़ी की रेसिपी है और इसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं और इसके बनाने के तरीके को जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ सामान लिया है। 250 ग्राम के करीब गुड़ है, 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, 2 टेबल स्पून पानी है, 2 टेबल स्पून देसी घी है। यहाँ मैंने पैन को जो है मीडियम फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने घी डाल दिया है और इसी के साथ मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दूँगी और इसको मुझे थोड़ा गर्म करना है। तो ये गर्म होने लगा है और इसी के साथ मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए इसको पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ मेल्ट होने लगा है और इसमें जब झाग बनने लगेंगे तब मैं फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी। फिर हम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे इसी तरीके से चलाते हुए। गुड़ जो है सर्दियों में हम सभी के सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बच्चे हों बड़े हों सभी को ये लाभ देता है। तो इसका सेवन हमें करना चाहिए और ख़ास करके खाने के बाद हमें थोड़ा गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कि ये हमारे खाने को जल्दी और आसानी से पचाने में भी हमारी मदद करता है। तो आप इस बार गुड़ पापड़ी जो है हाइजीनिक तरीके से आप घर पर तैयार करें, अपने बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी इसके स्वाद का मज़ा लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स खूब आ रहे हैं। अच्छा, जो गुड़ पापड़ी के लिए जो गुड़ तैयार होना है मैं वह बता देती हूँ कि आप चेक कैसे करें। ऐसे ये जब इसमें ये बबल्स आने लगते हैं तब आप इसको इसके थोड़ी देर बाद आप इसमें कटोरी में थोड़ा सा गुड़ डाल के देखें, देखें कि सॉफ्ट बॉल बन रही है या कैसी बॉल बन रही है। तो अगर सॉफ्ट बन रही है तब तो आप उसको 1 मिनट और पकाएँ और फिर चेक करें। तो अगर अभी भी सॉफ्ट बॉल है तो फिर 1 मिनट पकाएँ, और अगर आपकी ये जो आपने गुड़ डाला है और ये एक पपड़ी की तरह एक आवाज़ के साथ टूट रहा है तो आप समझ जाएं कि ये गुड़ पापड़ी के लिए एकदम रेडी है। फिर उसको आप ना पकाएं ज़्यादा, फिर आप आगे की वीडियो देखें कि क्या करना है। चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि गुड़ किस तरीके से तैयार हुआ है। ये मैंने डाल दिया है इसमें और मेरा जो गुड़ है एक आवाज़ के साथ टूट रहा था, मैं आपको दिखा नहीं पाई। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिया है और इसको बहुत ही सावधानी के साथ जल्दी जल्दी मिलाना है, मिक्स करना है, क्योंकि ये इसमें जो झाग बनते हैं ये बहुत ही तेज़ी से बैठने लगते हैं। थाली में मैंने घी लगाकर पहले ही रख दिया था, आप चाहें तो इसी तरीके से डालकर छोड़ सकते हैं इसको, ये ऐसे ही सेट हो जाएगी। या फिर इस तरीके से जैसे मैं इसको थाली में फैला रही हूँ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये जो भी करना है बस जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये सेट बहुत जल्दी होने लगता है। अब इसे मैं 1.5 से या 2 घंटे के करीब मैं रख दूंगी, ये सेट हो चुका है आप यहाँ देख सकते हैं। और अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें मैंने घी लगा दिया था तो ये बहुत ही आसानी से इसमें ज़रा सा ठोकने से ये जो है गुड़ पापड़ी इससे अलग हो गई थी। ये देखिए
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें, जैसे कि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बबल्स वाली जो है गुड़ पापड़ी तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची एकदम। तो आप इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, इसके स्वाद का मजा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।